हेलो दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार यादव आप सभी का पेटीएम ऐप के एक न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि पेटीएम ऐप का जो पेमेंट बैंक है उससे कैसे आप हमेशा के लिए डिलीट कर पाएंगे, या जो भी आपका पेटीएम वॉलेट है उससे कैसे आप डिलीट कर पाएंगे। ठीक है, आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो पेटीएम पेमेंट बैंक है वो 29 फरवरी के बाद से काम नहीं करेगा, उसकी कोई भी सर्विस काम नहीं करेगी। इस पर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, अगर ज़्यादा जानकारी के लिए आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप पेटीएम ऐप को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे जहाँ पे जो प्रोफाइल है इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद फिर इसको आप ऊपर की तरफ स्लाइड कीजिएगा। स्लाइड करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है आपका प्रोफाइल सेटिंग्स, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद ठीक यहाँ से एक ऑप्शन है एक्टिव पेमेंट सर्विसेज, इस पर टच कीजिएगा। फिर कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक वॉलेट और पेटीएम मनी तीनों यूज़ करते होंगे तो तीनों के राइट साइड में डीएक्टिवेट का साइन शो कर दिया है। जिसको भी डीएक्टिवेट करना है उसे आप यहां से डीएक्टिवेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मुझे पेटीएम पेमेंट बैंक डीएक्टिवेट करना है, तो इसके सामने जो डीएक्टिवेट लिखा हुआ है इस पर टच कीजिएगा। फिर कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा, तो जो लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपका सेविंग अकाउंट, इस पर टच कीजिएगा। फिर कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा, नीचे लिखा हुआ है कि नीड हेल्प विथ नॉन ऑर्डर रिलेटेड क्यूरीज चैट विथ अस, इस पर टच कीजिएगा। फिर कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी आपकी समस्या हो उसके रिगार्डिंग आप हेल्प ले सकते हैं। फिर ऊपर लिखा हुआ है कि इशू विथ माई सेविंग्स अकाउंट, इस पर टच कीजिएगा। उसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। फिर लिखा हुआ है कि फिर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई वॉन्ट टू क्लोज माई सेविंग्स अकाउंट, इस पर टच कीजिएगा। उसके बाद कुछ सारी चीज़ें लिख के आएंगी कि पेटीएम के सेविंग अकाउंट के क्या क्या फ़ायदे हैं, ऐसा कुछ लिख के आएगा। फिर नीचे लिखा हुआ है कि यस आई वॉन्ट टू क्लोज माई सेविंग्स अकाउंट, इस पर टच कीजिएगा। फिर आपसे पूछेगा कि आप किस वजह से जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उससे डील्ड करना चाहते हैं, तो इतने सारे ऑप्शन शो कर देंगे, इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे चूज किया हुआ है कि अकाउंट ओपेंड विदाउट कंसेंट, ठीक इस पर टच कर दीजिएगा। फिर से इस टाइप से कुछ ओपन हो जाएगा, नीचे लिखा है आई एग्री, इस पर टच कीजिएगा। उसके बाद आपसे कुछ डिटेल मांगेगा, ठीक है, जो भी आपने वहाँ पर इशू चूज किया होगा उसके अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। जो मैंने चूज किया है उसके अकॉर्डिंग ये मांग रहा है, ठीक, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर चूज किया कि नो आई वुड नॉट एबल टू प्रोवाइड कैंसिल चेक ऑफ एन अल्टरनेट बैंक अकाउंट, ठीक है। यह इसलिए मांगा जाता है कि इन केस ऑफ जो भी आपका बैलेंस होगा उसे पेटीएम पेमेंट बैंक में उसे क्रेडिट करने के लिए, ठीक है। तो हम मेरे पास कोई भी कैंसिल चेक नहीं है किसी भी अल्टरनेट बैंक का, इसलिए हमने ये नीचे वाला चूज किया हुआ है, तो आप भी इस पर टच कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर लिख दिया कि वी हैव रेज्ड अ टिकट, ठीक एक टिकट ये रेज हो जाएगा, ठीक है, और यह आपका 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर आपको इसका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। मैंने अप्लाई किया हुआ है, अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं आया है, देखते हैं कब तक रिप्लाई आता है। जैसे ही रिप्लाई आ जाएगा तो किसी और वीडियो में हम आपको वीडियो बना के आपको और डिटेल प्रोवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार से आप पेटीएम पेमेंट बैंक को हमेशा के लिए डिलीट कर पाएंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी जानकारी और वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।